भाजपा के 9 वर्षों के शासनकाल में सबसे अधिक 2418 मंदिर तोड़े गए, जिसमें सबसे अधिक गुजरात में 1289, उत्तर प्रदेश में 688 व अन्य प्रदेशों में भी सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, जिसे पुनर्स्थापित नहीं किया गया है और खुद को सनातनियों की पार्टी कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री। उक्त बातें सोमवार को परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए पुराने मंदिरों को तोड़ा गया है और वहां से दर्जनों शिवलिंग निकाला गया, जिसे अभी भी लंका थाना के हाजत में बंद है। बक्सर जिला में एक बड़ा सनातनी है अश्विनी कुमार चौबे, क्यों नहीं जाकर जमानत ले लेते हैं? यहां से तो महज 125 किलोमीटर की दूर है बनारस, जाकर बेल करवा, मंदिर में स्थापित करवा, पूजा पाठ करते। वही उन्होंने कहा कि हमारे मुखिया ने तो बिहार के किसी भी जगह जरूरत पड़ने पर मंदिर तोड़े जाते हैं, साथ ही डीएम और एसपी को उसे विस्थापित करने का निर्देश भी जारी कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज्य अंतर्गत बनारस में भारत माता और रानी सती की मंदिर तोड़ी गई, जिसका जनता द्वारा भारी विरोध भी किया गया था, लेकिन आज तक उसे विस्थापित नहीं किया गया। इसके साथ ही बिहार सरकार सिर्फ कब्रिस्तानों का ही नहीं बल्कि मंदिरों और चर्चों की भी घेराबंदी करवा रही है, जिससे हाल ही में दिनों में शाहबाद क्षेत्र अंतर्गत बक्सर में 7, कैमूर में 9, रोहतास में 31 मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान की घेराबंदी बिहार सरकार ने करवाया है। जबकि सांसद निधि से राशि आती है लेकिन बक्सर के बाबा को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर किए गए हैं तो श्वेत पत्र जारी कर बताएं अब तक कितने धार्मिक स्थानों का कार्य करवाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने की बात बक्सर के जनता को बरगलाने और छलने के लिए है। वही नीरज कुमार ने कहा कि देश के गृह मंत्री शाहबाद की धरती को अपमानित करते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा लिए, लेकिन जारी प्रमाण पत्र में बाबू कुंवर सिंह का नाम कहीं नहीं दिखा। इसी तरह के प्रधानमंत्री ने बाबू जगजीवन राम छात्रवृत्ति योजना को भी बंद करवा दिया, क्योंकि वो दलितों समाज से आते थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर देश की महामहिम राष्ट्रपति को भी अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। 28 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट कर 2 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी करते हैं, जबकि संसद सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को संसदीयों को कमेटी की अनुशंसा पर ही होता है। संजीव पदैक, रिपोर्ट सिटी न्यूज, बक्सर से। का मंदिर तोड़ दिया गया, कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में मंदिर और मस्जिद टूट सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करना सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी तो सीख लो। नीतीश कुमार जी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया, आप उसका उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा, कहीं अगर मंदिर और मस्जिद टूटा है तो मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी और एसपी को निर्देशित किया कि दूसरे जगह पर उसको स्थापित करिए, सार्वजनिक जगह पर। वो श्रद्धा का प्रतीक है, वो थाना में बंद नहीं हुआ, भगवाने शंकर को थाना में बंद कर दिया। और हमारे यहां अगर ऐसी घटनाएं हुई तो मंदिर को भी स्थापित करके पुनर्स्थापित किया गया है, तो फर्जी सनातनी कौन? फर्जी सनातनी ही लोग हैं। और हम माननीय यहाँ एक बाबा है मंत्री, बड़ी बयान देते हैं, एकदम छुड़छुड़ी पटाखा नियर राजनीति में। हम उनसे जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के आप कैसे फर्जी ठेकेदार हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो शाहबाद के इलाके में, ये दस्तावेजी प्रमाण है मेरे पास, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, क्योंकि लोग यह जानते नहीं है, हम केवल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, हम चर्च की भी घेराबंदी करते हैं। कैमूर जिला में हमने 9 मंदिर चार दीवारी योजना को स्वीकृत किया, बक्सर में 7, रोहतास में 31, और इसमें सांसद क्षेत्रीय विकास योजना का फंड देने का अधिकार है। अश्विनी चौबे जी, अगर आप हिंदू हैं, धार्मिक हैं, सनातनी हैं, त्रिपुंडधारी हैं,
शिखाधारी हैं, जनेऊधारी हैं, तो हिंदू मंदिरों में जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित था उसमें एमपी फंड का पैसा क्यों नहीं दिया? अगर दिया तो श्वेत पत्र जारी करो, कहां कहां आपने पैसा दिया है, किन मंदिरों की चार दीवारी में दिया है। ये तो कानून के तहत है, गाइडलाइन में है कि आपको देने का अधिकार है, तो आप देवी देवता के तो छलिए लिए, और अब आपने छला किसको किसको? इसका जवाब शाहबाद की जनता से हम अनुरोध करेंगे कि भाजपा और उनके कुनबे के लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि अश्विनी चौबे जी उस राजनीति में है जहां 1947 को आजादी नहीं मिला। आइए, बेशर्म स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहां बैठे हुए थे, कोई प्रतिकार नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि 47 में आजादी नहीं मिली है, कि गुलाम भारत में पैदा लिए थे अश्विनी चौबे। ये तो तिरंगा का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है, देश का अपमान है कि कोई कहे कि 47 में आजादी नहीं मिली है। और वहां अश्विनी चौबे जी उपस्थित थे तो वहां जीभ में हलंत लग गया था कि मिर्चा खा लिए थे लाल वाला, बोली नहीं निकल रहा था। मीडिया को बोलते कि यह गलत बात है, हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है लेकिन 47 में कैसे आजादी नहीं मिली भाई। तो हम उनसे यह जानना चाहते हैं